भी मैंने कहा था कि चाहे शेक्सपियर हों, शेक्सपियर तो फिर वो इम्पोर्ट करके बना। माता कुंती ने 5,500 साल पहले श्री कृष्ण की स्तुति में जिस बात को कहा कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब नाटक करने वाले लोग हैं, हमें श्रेष्ठ नाटक करना चाहिए, इसी को शेक्सपियर ने जब कहा तो पूरी दुनिया मान गई। हमारे यहाँ का श्लोक ले जा करके इंग्लिश में लिख के भेज दिया, या शेक्सपियर। ओहो, शेक्सपियर और कालिदास की एक दिन मैं तुलना करूंगा किसी कथा में, आपके आंखों से आंसू निकल। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता में अंतर क्या है आप समझ जाओगे, लेखनी से अंतर क्या होता है पूरा समझ जाओगे। पर बड़ा विस्तृत कथा है शेक्सपियर की, एक बहुत प्रसिद्ध, मैं बस इशारा कर देता हूं। उसमें ऐसी कथा है कि बेटा अपने माँ को नहीं पहचान पाता और बेटा माँ से शादी कर लेता है, ये वेस्टर्न कल्चर। और हमारे यहां कालिदास लिखते हैं शकुंतला नल दमयंती, जानते हो, गुरु पुत्री से प्रेम हो जाता है, गुरु पुत्री से प्रेम हो जाता है और बड़ी भीतर में ग्लानी होती है कि मैं गुरु के पुत्री अर्थात विप्र और ब्राह्मण की कन्या से क्षत्रिय होकर प्रेम कर कैसे लिया, मेरा सहज आकर्षण उसकी तरफ गया कैसे, यह संभव नहीं है, मेरा रक्त दूषित नहीं है। और बाद में पता चला कि वो गुरुजी की पुत्री नहीं है, वो राजपुत्री ही है किसी की, गुरुजी ने सिर्फ पाल करके रखा है, तब जाकर कहा कि मेरा रक्त मुझे और मेरे संस्कार मुझे धोखा नहीं दे सकते। दो लोगों ने कथाएं लिखी हैं, शेक्सपियर की कथा में वेस्टर्न कल्चर का प्रकाशन होता है कि भूल वसात एक पुत्र ही अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है और नियम था उस राज्य का कि जो उस राज्य का राजा बनेगा उसको विवाह करना होगा। और हमारे यहां एक ऐसा अपने खून में लिखा है, कथाएं भी कैसे लिखनी है, यह संस्कार लिखता है। जिस देश का, जिस संस्कृति के संस्कार जैसे होते हैं वहां की रचनाएं भी वैसी ही होती हैं। हम शेक्सपियर को फॉलो करने वाले नहीं, हम तो कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, दिंगनाथ, श्री भट्ट, हर्ष, इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। भारत की गरिमा और महिमा इनसे है साहब। रघुवंशम पर भी मैं बोलूंगा, क्योंकि रघुवंशम पर बोलना बड़ा जरूरी है, ओरिजिनल राम कथा आनी बहुत जरूरी है समाज के सामने, और भारतीय तत्कालीन राजनीति में उस राम कथा की कितनी आवश्यकता है। एक एक बजट निर्धारित कर दिया है, रक्षा बजट 3% से ज्यादा ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल 3%, राम जी कह रहे हैं भरत को, भरत 3% से ज्यादा रक्षा बजट मत रखना। बोला 3%, बोला हाँ मैं बताता हूं कैसे रखोगे। और एक एक बजट का निर्धारण किया है प्रभु ने, ऐसे ही खड़ाऊ नहीं दे दिया कि खड़ाऊ दे दिया अब जाके तुम राज करो, एक एक नीति पर चर्चा की है, तब भरत को भेजा है। और भरत तो खैर गड्ढे में रहकर चलाने वाले असली तो शत्रुघ्न ही थे। पूरे राज्य को, राम राज्य की स्थापना का अगर श्रेय किसी को जाता है तो उनको मिलता है जिनका नाम रामायण में सबसे ज्यादा कम है, और वो शख्सियत है हमारे शत्रुघ्न जी, भगवान के सबसे छोटे भाई, उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। नाम कहीं नहीं, पर पूरे राम राज्य, जिसको राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य आप बोलते हैं, उसकी स्थापना का श्रेय शत्रुघ्न जी के ऊपर। हमारे भारतीय धर्म में, शास्त्रों में बहुत से मुक्ता और माणिक छिपे हुए हैं। उन मुक्ता, मैं फिर कहता हूं, आई एम अनेबल, मैं बहुत अनेबल हूं कि 2-2.5-3 घंटों में किसी भी मुक्ता और माणिक को एक्सप्लोर करके किसी के सामने रखा जा सके, व्यक्ति के पास समय कहाँ है। लेकिन देखो कितनी हंसी की बात है, एक साधारण किडजी में पढ़ने में 1 वर्ष लगते हैं, नर्सरी में 1 वर्ष लगते हैं, पहली क्लास में 1, हाई स्कूल में 2 वर्ष, उसके बाद 11वीं में 2 वर्ष, ग्रेजुएशन हमारे समय में 3 इयर्स डिग्री कोर्स हुआ करती थी, ऑनर्स जब हमने किया 3 इयर्स, फिर PhD। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए एक एक क्लास के लिए 1-1 वर्ष देते हैं, पर कितनी दुविधा की बात है कि पूरी जिंदगी में कभी 5 मिनट किसी कथा में बैठकर सोचते हैं कि मैं अब धर्म का ज्ञानी हो गया और पूरी संस्कृति मुझे आ गई। इसके लिए भी लिटरली आपको उतना ही समय अपने जीवन के 24 घंटे में से निकालकर प्रतिदिन देना होगा, क्योंकि 24 घंटे से जीवन 48 घंटे का दिन नहीं होने वाला, 24 घंटे का ही जीवन है, और इसमें से ही संस्कार, संस्कृति, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन नहीं कहता मैं, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट सबसे बना है स्पिरिचुअलिज्म, जिसके जीवन में उत्साह है वही स्पिरिचुअल है, आध्यात्म का अर्थ है
शरीर को तो हमने पढ़ लिया, ये लौकिक विद्या हमें शरीर के बारे में बताती है, ये MBBS की डिग्री तुम्हें शरीर के बारे में बताती है। ये भी जान के हैरान हो जाओगे कि MBBS कोई भी डॉक्टर चाहे MS भी किया हुआ क्यों ना हो, वो शरीर के मात्र 3% पार्ट के बारे में आज तक साइंस जान पाया है, शरीर के बारे में। देन व्हाट अबाउट योर मन, योर इंद्रिया, योर बुद्धि, योर चित्त, योर अहंकार, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, पंच महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सोल, व्हाट अबाउट दिस थिंग्स? कहां है ये? कौन पढ़ा रहा? कैसे जानेंगे? बिना इसके जाने जीवन में समृद्धि की पराकाष्ठा पर अमेरिका और स्वीडन की तरह खड़े भी हो गए तो आत्महत्या और पागलपन की संख्या ही ज्यादा बढ़ेगी। इंडिकेशन यही है। RTI डालिए आप, मेरी बात मत मानिए, डालो RTI और डालो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां होती है, डालो कि सबसे ज्यादा रुपए लोग कहां कमाते हैं, इन्हीं तीनों कंट्रियों में कमाते हैं, इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा पागल भी रहते हैं, मनोरोग उन्हीं को सबसे ज्यादा है, आत्महत्याएं वहीं पर है, वही पढ़ाई तो बहुत ज्यादा है। केरला 97% लिटरेसी, नाउ इट इज 99%। क्या है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर वृद्धाश्रम कहीं पर है तो कहां पे है? केरला में। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहां है? केरला में। वृद्धाश्रम बनाना कोई बहुत अच्छी बात है? समाज सड़ गया है इसलिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं, संस्कृति मिट गई है इसलिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। वरना जिस देश में 70-70 लोगों का परिवार हुआ करता था, छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, बीच वाले दादाजी, बीच वाले काकाजी, हाँ कितना अच्छा परिवार, वहां पर वृद्धा आश्रम बनाना पड़े, ये हमारी प्रगति है? और वो भी जहां 99% लिटरेसी है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। वी ऑल आर नॉट एजुकेटेड, वी आर लिटरेट, ABCD, नथिंग एल्स, बस इतना ही जानते हैं। जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी थी वहां तो संयुक्त परिवार बनने चाहिए थे, एक साथ हिलमिल के रहना चाहिए था। एक भी बुजुर्ग अपने बेटे बेटियों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जा रहा है। लानत है ऐसी लिटरेसी पर, 97% लिटरेसी पर, जहां जनक और जननी को ही जाकर निर्वासितों की तरह जीवन जीना पड़ता है, दूसरे के अन्न को खाकर जीना पड़ता है, ये लिटरेसी है। दिस इज योर कॉन्वेंट लिटरेसी। सो प्लीज बी अवेयर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता। विवेकानंद ने वेद की इस भाषा को उद्घोषित किया, उठो जागो, जाग कर किसी श्रेष्ठ की उंगली को पकड़कर अपने और अपने समाज का निर्माण करो। और यह तभी संभव है जब लिटरेसी एजुकेशन में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे यहां सारे बोर्ड बने हुए हैं, कॉन्वेंट हैं, उनके हैं, उनके हैं, उनके हैं, लानत है जहां 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा सनातनी रहते हो, वहां पर सनातन बोर्ड अब तक नहीं बना है। इस सनातन बोर्ड का निर्माण कब होगा? कब करेंगे सनातन बोर्ड का निर्माण?